जी नमस्कार। और काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं आपसे। हम आज भले ही काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कई लोगों का कमेंट था कि हम ज्योग्राफी पढ़ाएं, तो आज मैं चाहता हूं कि मैपिंग के आधार पर हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझेंगे। देखिए, मेरे पीछे मैप बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का। हम इसमें क्या करेंगे कि बेसिकली एक एक महाद्वीप को लेकर के आप बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे हमारे साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो पूरे मैप के बारे में छोटा सा एक डेमो है, इंट्रोडक्शन है। आप प्लीज़ पहले इसको समझिए। देखिए, ये जो मैप है, अगर आप इसको देखें तो ये विश्व का मैप है। और खास करके अगर हम क्षेत्रफल को दायरा माने और क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम पूरे वर्ल्ड को समझें, तो आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर कोई है तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप समझने से पहले आपको एक चीज जरूर जान लेना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि ये दो मैप एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया में ये जो पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है यूराल पर्वत। दरअसल यूराल पर्वत ही वो ऐसा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल के बाद यहां पर विश्व का सबसे बड़ा सागर कैस्पियन सागर, और यहाँ पर ये पर्वत श्रेणी एक बना हुआ है जिसका नाम है काके शस पर्वत, और यहाँ पर है काला सागर। यानी ये चार चीज़ें एशिया और यूरोप को बांटती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम एरिया को दिखाएं तो नंबर 1 पर हो जाता है आपका एशिया में। दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अफ्रीका है। तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और चौथे स्थान पर है दक्षिणी अमेरिका। पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि ग्लोब में दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो यहां पर है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। और छठे नंबर पर यह पोर्शन पूरा यूरोप को दर्शाता है, और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो आपके साथ मैंने क्रम बना दिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो होना चाहिए कि हम जनसंख्या के आधार पर इनके क्रम को जरूर समझें। देखिए, अगर आप जनसंख्या के क्रम के आधार पर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यह क्षेत्रफल के हिसाब से छठवां और सातवां था, तो जनसंख्या के आधार पर इनके क्रम में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जहां एशिया नंबर 1 है, वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी नंबर 1 होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जनसंख्या के आधार पर नंबर 1, दूसरे नंबर पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर हो जाता है आपका यूरोप, और चौथे नंबर पर हो जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, और पांचवें नंबर पर हो जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका, और छठे नंबर पर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम क्षेत्रफल के बाद अगर हम जनसंख्या को लें तो क्रम थोड़ा बदल जाएगा। दरअसल अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि यहां पर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च होने का काम होता है, यहाँ पे लोगों के रहने की जनसंख्या पॉपुलेशन नहीं रहती है वहाँ पे, तो इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते। देखिए, इसमें खास चीज़ें आप हमारे साथ एक एक मैप को लेकर के पढ़ेंगे। हम पहले नॉर्थ अमेरिका को, फिर साउथ अमेरिका को, अफ्रीका को, यूरोप को, एक एक चीज़ को लेकर के पढ़ेंगे। ये वाला पोर्शन आप दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ये जापान का क्षेत्र है, और यहाँ पर ऐसे एक पोर्शन, ऐसे मैप बना हुआ है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये आपका न्यूजीलैंड है, कीवी, कीवियों का देश, ठीक है। तो न्यूजीलैंड कीवी पक्षी जो होती है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अगर हम महासागरों को थोड़ा सा देख लें तो आपको समझ में आना चाहिए, यहां पर जो महासागर है इसका नाम है प्रशांत महासागर। ये वाला जो पोर्शन है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और अगर हम इस वाले क्षेत्र को देखें तो ये हो जाता है हमारा हिंद महासागर। इसके बाद आप इधर जो ऊपर वाला है वो आर्कटिक महासागर है,
महासागर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं महासागरों में भी ऐसे महासागर कम है। यहां पर आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा, भू मध्य सागर। तो ऐसे करके हम एक एक करके महाद्वीप लेकर के पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक मैप को लेकर के आपके साथ अच्छे से अध्ययन करते हुए चलते हैं।